मेहता का उल्टा चश्मा। शूटिंग लगता है तेरा कोई रिश्तेदार है। जी भाई, वैसे तो मैं ऐसे नहीं जानता, पंजाब में फोन करूंगा तो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आएगी। यहाँ गोली कौन है? गोली या कोगी? जी बोलिए। कब से स्कूल में पढ़ रहा है? जी ओए जी के बच्चे, अपने पापा को बुला। जी मैं खुद पापा हूँ। ओए तू खुद गोली और खुद गोली का पापा भी है? क्या समझ रहे? जी मैं गोली नहीं, गोली का पापा हूँ। गोली कहाँ है? गोली बेटा देखो कोई मिलने आया है। पमेला, पमेला विहादी। Come, don't be scared. Come out, honey. Come, don't be scared. ये तो कैरी की बहन जैसी लग रही है। ओ पुत्र डरना, बाहर आ जा, आ जा मेरे सोने बच्चा। काय चाल रहा है? काय? मैंने नहीं पता पिडू। क्या हो रहा है? तो डरना, आ जा। उत्तरी, ये तो बंटी है। ये बंटी बजाएगा घंटी। मर गए। ये बच्चे इतना डर क्यों रहा है भाई? हाँ? गोली की वजह से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्यों? क्या किया मेरे गोली ने? पूछिए अपने गोली से। गोली? What is this uncle saying? हाँ? हाँ गोली बेटा बताओ क्या किया तुमने? मुझे लगता है बच्चों ने जरूर कोई शरारत की है। पिछले 4 दिनों से गोली मेरे बेटे को मोबाइल पे फोन करता है और उसे डराता है कि मैं भूत बोल रहा हूँ। गोली? आज तो हद ही हो गई। गोली के साथ मिलकर उसके दोस्तों ने भी इसे भूत बन के डराया। हाँ जी। और आज तो मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार भी चढ़ा हुआ है। देखिए कैसे कांप रहा है। गोली, व्हाट इज दिस? मैं तो यहाँ पर पुलिस लेके आने वाला था पर मेरी वाइफ पमेला ने मुझे मना किया। हाँ जी। शिव, थैंक यू पमेला बेन। बोलो, इसे इंटरनेशनल पत्नी मिल गई और मुझे ना नेशनल, ना डोमेस्टिक, ना अर्बन, ना रूरल, ना लोकल कोई पत्नी नहीं मिल रही। तुम लोगों के डर से मेरा पुत्र कितना कांप रहा है। मैं चेक कर लूं, मैं एक डॉक्टर हूं। इधर आ जा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी बैड गोली, बंटी की नब्ज अभी तक तेज चल रही है। टप्पू, गोगी, सोनू, सच सच बताओ, क्या तुमने भूत वाली बात करके बंटी को डराया था? सोनू, मतलब तुम भी शामिल हो इसमें? शी, माधवी, मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। काय है सोनू? ओनली दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। गोगी पुत्ता, मैं तो चंगा नहीं कहता। ये सब रोशन के लाड़ प्यार का नतीजा है। टप्पू, दीका। दीका नहीं, डंडा, डंडा ला। अभी खबर लेता हूँ मैं इसकी। आज तो मस्ती की हद कर दी आप लोगों ने। तो? सही बात है। देखो तुम लोगों की शरारत की वजह से बंटी का क्या हाल हुआ। पता है तुम लोगों को, बचपन में किसी चीज का डर
दिमाग में बैठ जाए तो इंसान जिंदगी भर उस बात से डरता है। हाँ बराबर कहा आदि भाई, मेरी मासी की लड़की नीता है ना, उसके सर पर एक बार बचपन में जासूस का फूल गिरा तो वो इतनी डर गई थी। आज उसके दो बच्चे हैं, लेकिन आज भी वो जासूस के फूल से डरती है। तो क्या जासूस का फूल? जासूस नहीं, वो जासवंती, जासवंती होती है जो जासवंती का फूल। और आप लोगों ने तो उसे भूत के नाम से डराया। देखो ना बेचारा बच्चा कितना डर गया है। बच्चों, ये तुम लोगों ने गलत किया। मस्ती करना, शरारत करना अलग बात है, लेकिन किसी को इस तरह से डराना ये बहुत गलत बात है। अरे कुछ समझ में आ रहा है टप्पू? तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है कि आज बापूजी को भी तुम लोगों को डांटना पड़ रहा है, वो भी नीचे आके। पापा, ये बंटी ने सबसे पहले मस्ती शुरू की थी। इसने ना गोली के बैग में केले का छिलका रख दिया था। सिर्फ छिलका पापा, और उस छिलके को देख देख कर मुझे केला खाने का इतना मन हुआ कि मैं पूरा दिन केले के लिए तड़पता रहा। और सिर्फ हमें ही नहीं, ये बंटी स्कूल में सभी बच्चों को परेशान करता है। बंटी, तो तुम टीचर हो जो उसको पनिश किया तुम लोगों ने? अरे वो तुमसे छोटा है, तुम टीचर को कंप्लेंट कर सकते थे उसकी। टपू सेना, बंटी से माफी मांगो। हाँ सॉरी बंटी यार। सॉरी बंटी। सॉरी बंटी। सॉरी। देखिए श्रीमान जी, टपू सेना की तरफ से हम सब भी आपसे माफी मांगते हैं। वी आर वेरी सॉरी। जाओ बच्चों, माफ किया तुम्हें। मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। वैसे ऐसे मौकों पर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछे बिना रहा भी नहीं जाता। एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। आपकी आपकी पत्नी के साथ शादी कब और कैसे हो गई? अरे एक डिब्बे और से भी शर्मिंदा है बच्चों के साथ साथ। ओ पूछो जी पूछो। बोलो। आज मैं सबको बता दूं कि हम दोनों की लव स्टोरी शुरू कहां से हुई। ये अमेरिका से आई थी, आते सार मेरे ट्रक के साथ इसकी गाड़ी ने टक्कर ले ली। ओ पहले गाड़ी और ट्रक टकराया, और फिर हम दोनों की आंखें टकराई, और फिर दिल टकराया, और अभी घर पे बर्तन टकराते हैं। क्यों जी? हां जी। लगता है पाठ भाई ने एक ही शब्द सिखाया है। हां जी। चलो चलो जी। ओ वीरे, पहाड़ सिंह। हाँ भी पहाड़ सिंह। ओ तेरा नाम भी पहाड़ सिंह है, दिसदा भी तू पहाड़ वर्गे है। इतना तगड़ा बहादुर, फिर तेरा पुत्र डरपोक क्यों? ओ पाजी, इसे यही समझाता हूँ कि गुरु के नाम से जुड़ रोज कहता हूँ इसे पाठ करने के लिए, पर ये पाठ नहीं करता। ओ पुत्र, जो भी रब जी का ध्यान करता है, उनका पाठ करता है, कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल उसके नजदीक नहीं आती। और तूने तो देख दस्तार भी खंडे वाली पाई हुई है, तो हमेशा बहादुर रहना। ठीक है अंकल, पापा मैं उन तो रोज पाठ करूंगा। चलो जी, चंगा जी, फिर मिलते हैं। सॉरी वंस अगेन। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। हेलो पोपटलाल, कल से पत्रकारिता छोड़ के ट्रक चलाना शुरू कर दो, शायद कोई टकरा जाए। मैं भी वही सो। हंसो मत, बंटी के साथ ऐसा मजाक करते हो, शर्म नहीं है तुम लोगों को? ऊपर से हंस रहे हो अभी। दरअसल ना ये मोबाइल ही मुसीबत की जड़ है। सही बात है, ना बच्चों को मोबाइल दिलाते ना ये ऐसी हरकत करते।
पूरा दिन मोबाइल 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 के अलावा कुछ दिखता ही नहीं तुम लोगों को। जेठिया अभी के अभी सब बच्चों से मोबाइल ले ले। वाह जी बाबूजी। नहीं दादाजी मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं दादाजी सॉरी सॉरी दादाजी सॉरी ऐसी गलती नहीं होगी दादाजी सॉरी। कुछ नहीं टप्पू बापूजी ने बोला ना ला मोबाइल इधर ला चलो। ठीक है अरे नहीं टप्पू आइंदा मोबाइल की वजह से ऐसा कुछ हुआ। अरे मोबाइल से क्या किसी भी तरह किसी को भी ऐसे डराना नहीं चाहिए। पापा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज पापा। हाँ हाँ पापा ये आखिरी बार है हमें माफ कर दो। आज के बाद मोबाइल की और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। चलो कान पकड़ो उठा बैठा करो। हाँ करेक्ट करो 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 चलो 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 करो कम ऑन बोली चलो बेटा चलो। ये देखो ये उठा की करा बैठा करी ना ये गोलिया खाली बस। भाई गोली को बोला जरा ठीक से करे। गोली बढ़िया से बढ़िया से बस। हाथी भाई बताते देखो कैसे करते बताओ जरा। जीता भाई मैं कैसे सॉरी अय्यर अंकल बताएंगे। अय्यर भाई बताओ जरा बच्चों को कैसे करते उठक बैठक जाए डालन। बबीता जी अय्यर ओके बस ये फटाफट एक हो गया बस देखा भी नहीं बच्चों ने ठीक से। जरा आहिस्ता आहिस्ता करो तो वो लोग सीखेंगे ना बराबर। बबीता जी अय्यर इट्स ओके ओके आराम से ओके। बस बच्चों ठीक है बच्चों ऐसी कोई शरारत मत करना अब। हाँ चलो भाई घर चलते हैं अपन लोग। चलो ओके 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 बबीता जी चलो भाई गोली भाई भाई तेरे भूत वाले मजाक ने तो हम सबकी बैंड बजा दी। ओ भाई अभी और क्या मीटिंग चल रही है चलो बाय फ्रेंड्स। आदि भाई चलो बेटे चलो टप्पू चलो हर्ष दादाजी सो गए सोनू को फोन करता हूँ। सुना नहीं है। हाँ बाबा बस दो मिनट में जा रहे हूँ। गुड नाइट गुड नाइट। हेलो हाँ बोल टप्पू। हेलो सोनू रुक मैं गोली को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ। हाँ एक मिनट ना। हाँ टप्पू बोल। हाँ गोली सोनू भी फोन पर है होल्ड कर मैं गोगी को कनेक्ट करता हूँ। ओके एक मिनट ना। हेलो 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 गोगी हेलो गोली सोनू और टप्पू सब एक साथ। हाँ लगता है क्रॉस कनेक्शन हो गया है। अरे गोगी ये कॉन्फ्रेंस कॉल है। हैं ओए टप्पू ये कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों होता है। अरे गोगी ज्यादातर फोन्स में कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी होती है। कॉन्फ्रेंस के जरिए 5-6 लोग एक साथ बात कर सकते हैं। हाँ हाँ गोगी वाओ। अच्छा फ्रेंड सुनो कल रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवानी है उसका क्या करे। हाँ क्या करे। हाँ टप्पू एक तो डांट भी पड़ी और ऊपर से मेरे रिजल्ट में मुझे 2% कम आए हैं। हाँ वो सब तो है पर फ्रेंड्स कल स्कूल में रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवा के लेके तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा टप्पू तूने याद दिला दिया मैं तो भूल ही गया था। अरे भाई गोगी अभी नहीं बाद में। मुझे तो सिर्फ 2% कम मिले हैं फिर भी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ओए सोनू मैंने तो 5% कम मिले हैं। मेरा भी वही हाल है यार पर मैं तो पापा को रसगुल्ले खिलाते वक्त साइन ले लूंगा। ओए गोली मेनू भी कोई ऐसा आइडिया करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत कम परसेंट मिले मैं क्या करूं और पापा का ऐसा मूड देखते हुए मेरी तो रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत ही नहीं होगी। सोनू तू क्या करेगी। मुझे भी डांट तो खानी ही पड़ेगी फिर भी मैं कुछ भी करके बाबा को मना लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स सबको ऑल द बेस्ट कल मिलते हैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट ओके बाय। भगवान इस बार संभाल लो प्लीज प्लीज।
वाह चांद, देखा मोबाइल आने से पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसने बोला था? पूरे 2% कमाया माधवी। सोनू काय है? सॉरी आई, सॉरी बाबा। बाबा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बाबा साइन। आहो, तुम तो बोलना ही नहीं। सोनू अभी तो 2% ही कमाए हैं, अगर तुम इसी तरह मोबाइल में रही ना तो रिजल्ट और भी खराब आएगा। क्या? नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आई। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग दीक्षा, उठ गया? हाँ मम्मी। ओ पापा अभी तक सो रहे हैं। कुछ काम था बेटा? नहीं मम्मी। तेरे लिए नाश्ता बना दूँ? नहीं। हाँ ग्रेट। हाँ गरम लेकर आती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी, कुछ गर्मा गर्म बना कर लेके आओ, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा। हाँ कल आती हूँ। पापा पापा पापा। क्या है डब्बो? पापा तेरा पेपर पे साइन कर दीजिए ना। उठने की जरूरत नहीं, लेटे लेटे साइन कर दीजिए। क्या है, किस पे साइन चाहिए? कुछ नहीं पापा, ये स्कूल वाले टाइम पास कर रहे, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस का लेटर है। थैंक यू पापा। शाबाश टप्पू, पापा की बड़ी डांट से बच गया। अरे दया चाय ला जल्दी। आई। मम्मी मम्मी मेरा टिफिन बुक। हाँ अभी चल आई, सब रेडी है। क्या हुआ पापा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुझे कुछ पूछना था, अभी तक याद था, अचानक भूल गया। मम्मी जल्दी टिफिन बॉक्स से, जल्दी जल्दी मम्मी जल्दी। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये लो रेडी है बेटा। जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र पापा, बाय बाय बाय। टप्पू रुक, याद आ गया, वापस आ वापस आ। हाँ पापा। मैं सुबह सो रहा था तभी किस चीज पे तू मेरे साइन लेके गया? कुछ खास नहीं पापा, मेरे स्कूल के दोस्तों को आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। वो? क्यों, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ? सच सच बता किस चीज पे साइन ली तूने मेरी? रिपोर्ट कार्ड पे। बता। पापा भी बहुत लेट हो रहा है, स्कूल से आने के बाद बता दो ना, पक्का पक्का। क्यों अभी क्यों नहीं, कम मार्क आए हैं? मित्रों हमेशा जेठालाल को शिकार बनाने वाली किस्मत ने इस बार टप्पू को शिकार बना लिया और स्मार्ट टप्पू जेठालाल के जाल में फंस गया। हालांकि जेठालाल से भी एक छोटी सी गलती हो गई, वैसे गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। नींद में ही उन्होंने कम मार्क्स वाली टप्पू की मार्कशीट पे साइन कर दी। भाई ये तो मार्कशीट थी, सोचिए तो मार्कशीट की जगह कोई और इंपॉर्टेंट पेपर होते या प्रॉपर्टी के कागजात होते और नींद में जेठालाल साइन कर देते तो शायद फिर वो कहीं और होते। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी नींद में किसी पेपर्स पे साइन नहीं करने चाहिए, कभी भी किसी को बिना सोचे समझे कोई वचन नहीं देना चाहिए, पत्नी को कभी नाराज नहीं करना चाहिए और पत्नी के सामने ससुराल वालों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, कानून कभी नहीं तोड़ना चाहिए, परिवार के प्रति अपना फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी लड़की को आंटी नहीं कहना चाहिए, गर्लफ्रेंड या बीवी का बर्थडे नहीं भूलना चाहिए। भाई लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अभी की सांसें अटकी हुई है कि क्या सजा देंगे जेठालाल, भाई ये तो अभी मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ एक विशेष बात, माँ सरस्वती की आराधना का पर्व यानी कि बसंत पंचमी, आपको ढेर सारी बधाइयां। लेकिन यहां गोकुलधाम में इस वक्त मोबाइल क्या क्या हंगामे लेके आता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.